तो दोस्तों आज हम बनाएंगे उड़द दाल की कढ़ी। तो उड़द दाल की कढ़ी बनाने के लिए हमें फूली हुई उड़द दाल की ज़रूरत पड़ती है। तो दाल को हमने ओवरनाइट फुले करके अच्छे से धुल लिया है, मतलब इसके छिलके को हटा दिया है। यहाँ पर केवल दाल है, आप बिना छिलके वाली दाल से भी इस कढ़ी को बना सकते हैं। फिर आपको इसको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालिए और पानी डाल करके ढक्कन लगा के इसको आप महीन सा इसका पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बन के तैयार है, एकदम महीन स्मूथ पेस्ट हमने बना करके तैयार किया है। अब इसे बाउल में पलट लेते हैं और पलटने के बाद इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और हींग डालना है। तो साइड में ही दोनों चीज़ें डालिएगा क्योंकि हमें केवल आधी दाल का यहाँ पर यूज़ करना है और आधी दाल का बाद में यूज़ करेंगे। तो जितनी की हमें कढ़ी का घोल बनाना है उतनी दाल हम बचा लेंगे और बाकी आधी दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ। और मिक्स करने के बाद चलेंगे आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने जार में जो उड़द दाल थोड़ा लगा हुआ था उसको भी पानी से धुल करके निकाल लिया है और कढ़ी में उसका यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च लिया है और साथ में एक छोटी साइज़ की प्याज और साथ में थोड़ा सा जीरा लेंगे और इसको अच्छे से एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो दोस्तों हमारा मसाला भी तैयार हो गया। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ जब भी आप उड़द दाल की कढ़ी बनाइए सरसों के तेल से ही बनाइएगा, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है तभी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर अब जो हमने अलग से नमक मिला के उड़द दाल को रखा था उसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे कढ़ी के लिए। तो इसको आप पूरे में अच्छी तरीके से फैला करके एक एक पकौड़ी तेल में डालिए और पकने दीजिए। जब से यहाँ पर हम घोल तैयार कर ले रहे हैं उड़द दाल का, जो हमने बचा के रखा था थोड़ी साइड वाली दाल, उसका हम घोल बना के तैयार कर लेंगे ताकि हमें बाद में घोल बनाना ना पड़े और दिक्कत ना हो। तो ये देखिए हमने इसका घोल बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर पकौड़ी एक साइड हो गई है तो इसको दूसरी तरफ हम पलटेंगे और इसको पलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों कल हमारी रेसिपी नहीं आ पाई थी, केवल शॉर्ट वीडियो ही हमने दी थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आज मैं आपके लिए फुल वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो पकौड़ियाँ बन गई है, हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मेथी दाना लेंगे, मेथी दाना छौंका देना है। तो जब मेथी दाना लाल हो जाए तो जो प्याज वाला मसाला पीसा था उसे डाल देना है। उसे डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए इसको आपको भून लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अब कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर सब्जी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसमें पानी डाल देंगे और इसी के साथ पकौड़ियों को भी डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप मसाला बिल्कुल ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि इसकी कढ़ी में जब उड़द दाल की आप कढ़ी बनाएं तो मसाला कम ही अच्छा लगता है। और साथ में ऊपर से आप हींग डालिएगा तो ऊपर से हींग डालने से क्या होता है ना, जो हींग का फ्लेवर होता है पूरे कढ़ी में बहुत अच्छे से रहेगा और जब आप तेल में हींग डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं आता है। इस वजह से अक्सर ऊपर से ही मैं हींग डाला करती हूँ। तो ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। जब पानी में उबाल आने लगे कढ़ी में तो आपको जो उड़द दाल का घोल बनाया था उसे डाल दीजिए और डाल करके इसको अच्छी तरीके से चला लीजिए। चला करके इसको ढक दीजिए और 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। 10 मिनट बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कढ़ी हमारी बन करके तैयार है। और जो साइड साइड में आपको थोड़ा सा फुदके टाइप के नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा फटी फटी सी, तो कढ़ी इसका मतलब है कि कढ़ी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे।
और कस्तूरी मेथी डाल करके इसको चला करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप उड़द दाल की कढ़ी किसी भी वीकेंड पे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में ही आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल में जाके देख सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार। थैंक यू दोस्तों, बाय।